बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, बुनियादियों में वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस आयत। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। खुदा का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज जो है दिन के टाइम व्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा, बहुत ज़्यादा हम लोग मसरूफ़ थे तो इस वजह से बाज़ार वगैरह गए थे तो फिर इस वजह से टाइम नहीं लगा। तो कुछ ज़रूरी काम थे करने वाले तो वो किए हैं, तो अभी रात का टाइम है, बच्चे अकेडमी अभी पढ़ के गए हैं तो अभी ऊपर चलते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं और आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। रात का वक्त है, ये देखें बाहर जो है वो काफ़ी अंधेरा है और मैंने लाइटें वगैरह अभी ऑन करनी है और ठंडी हवाएं चल रही हैं यख। और इधर देखें अम्मी वापस आ चुकी हैं और साथ में नूर भी आई है, हमारी कज़न की बेटी आई है। हाँ, और चाय वगैरह हम बनाई है अभी हमने और अकेडमी वाले बच्चे भी पढ़ के गए हैं तो चाय वगैरह बनाई है, आप पी रहे हैं चाय वगैरह। और आज तो आग भी आ रही है। आपका टूर कैसा रहा है? बहुत अच्छा, मज़ा आया वहाँ पे? बहुत मज़ा आया, हमें तो नहीं याद किया। तो आपको भी बहुत याद किया। अच्छा, मेरा दिल ही सीधा रहा आपके बगैर। अच्छा, आप लोगों के बगैर आए तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर दी सी। अच्छा, क्योंकि तुम रात को कहानियां वगैरह सुनाते थे ना आयत को। अच्छा, अम्मी रात टाइम में फिर स्टोरीज वगैरह सुनाती थी आयत को। अच्छा, और ये देखें आयत और नूर, नूर चाय पी रही है और आयत बिस्किट खा रही है साथ में, नूर भी खा रही है और आग वगैरह जलाई है। ये जहान की ना, ये लेके आए थे हम लोग ब्रेकफास्ट से ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा माही हीर के दरबार से। हाँ, माही हीर के दरबार से। प्यारी है माशाल्लाह, सुहान जाग रहा है। ये देखिए मेरा रूम है और हर तरफ बिखरी हुई है चीज़ें, कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं और यहाँ बेड वगैरह मैं अभी सेट करूँगी। और अभी हम नीचे आए हैं चाय वगैरह पी के, तो ये बेड पे मैं सारी चीज़ें वगैरह सेट करूँगी, कपड़े वगैरह उठाऊँगी, सोफों से सेटिंग वगैरह करूँगी। और अब मैं देखती हूँ अपने सिस्टर के रूम में कि वहाँ क्या कर रहे हैं सब। और यहाँ देखें बेड वगैरह सेट कर दिया है मेरी सिस्टर ने। वीडियो बन रही है हमारी। हाँ, आपकी वीडियो बन रही है। नूर है बैठी हुई। और सलाम कहो। और ये आयत है, दूध पी रही है और मेरी सिस्टर बैठी हुई है और जुहान है सोया हुआ, इधर अम्मी बैठी हुई हैं। अम्मी के साथ गपशप हो रही है हमारी। अच्छा, गपशप हो रही है आपकी? हाँ जी, अम्मी काफ़ी दिनों के बाद आई हैं इसलिए। हाँ, अम्मी हमने आपकी डिशें बहुत ज़्यादा याद की हैं। अच्छा, हाँ आंटी के घर गए थे ना तो उधर वो ने बनाए थे चावल। अच्छा, तो उसमें नमक ना थोड़ा सा कम था। अच्छा, तो हमें फिर आपके चावल बड़े याद आए, हमने कहा अभी बड़े जबरदस्त बनाती है, आंटी को बड़े याद आए। अच्छा, आंटी कहती है मेरी सिस्टर बनाती है बड़े जबरदस्त चावल, मैंने कहा नहीं ये भी अच्छे हैं, वैसे कि नहीं उसके भी चावल बस नमक का था थोड़ा सा, बहुत सा नमक कम था। अच्छा भैया, आपने खूब सैर की जब? हाँ, बहुत मज़ा आया हमें, हमने वहाँ पे ही राजा के दरबार में भी सैर की थी, वहाँ पे भी हम लोग गए थे। अच्छा, हाँ हाँ, वहाँ के दरबार में भी गए थे। अच्छा, आयत का दिल लग गया। हाँ, आयत का दिल लग गया था वहाँ पे। गपशप हो रही है अम्मी और रिदा की। अच्छा, और टीवी देखा जा रहा है। खूब सैर की थी। हाँ, बहुत मज़ा आया हमें वहाँ पे। अच्छा, अगर आपको दिल अभी फिर आपने भी हमारे साथ ही जाना था। अच्छा, आए था आपने खूब सैर की उधर। हाँ जी, बहुत सैर करी। जब गए थे आप? हाँ जी। के पास किसके घर गए थे? करुणा के घर। आपकी वहाँ पे कौन सी फ्रेंड बनी थी, कौन सी सहेली बनी है वहाँ पे आपकी? ओ मरियम। मरियम कौन सी मरियम? नोरीन। नोरीन, आयत को नाम भूल गया, मरियम नोरीन कहना था, मरियम कह दिया। की फ्रेंड बन गई थी वहाँ पे। अच्छा, तो फिर
वगैरह भी मैं करती थी, कभी हाथिया बनाती थी दोपहर टाइम सालन, कभी दोपहर टाइम मैं बना लेती थी सालन, और रोटी वगैरह तो मैं ही रोज बनाती थी, और रोटी भी इतनी मोटी होती थी, सही थी मतलब कि ना इतनी मोटी थी ना इतनी पतली थी, लेकिन अभी आप तो बहुत ज्यादा पतली रोटियां बनाती है ना, अभी तो वैसे भी मिनट लगाती है बनाने में, और मुझे ज़रा देर लग जाती थी क्योंकि मैं कभी कभी खाना वगैरह बनाती हूँ ना इस वजह से। अब अभी आ गई अम्मी की रात का खाना खाएंगे, और ये देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको अब अभी खाना बनाया करेंगे, अंदर बैठे बैठाए नाश्ता मिल जाएगा नहीं नहीं अम्मी के साथ हेल्प करवाया करेंगे हम लोग। चाय वगैरह हमने पी ली है, चाय वगैरह हम पी के अभी नीचे आए हैं, और आज देर टाइम जो है वो टाइम नहीं लगा वीडियो वगैरह बनाने के लिए, तो बाजार गए थे कुछ काम वगैरह उधर हमने करना था, जरूरी काम था तो बाजार गए हुए थे, तो आज तो इस वजह से ब्लॉग बना नहीं हुआ, तो हमने कहा कि चलो शाम टाइम की रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, तो अभी चाय वगैरह पी के नीचे आए थे हम लोग, तो बच्चे वगैरह भी काफ़ी लेट पढ़ के गए हैं अकेडमी, तो फिर अभी बिस्तर वगैरह सेट किए हैं, तो बच्चों को टीवी लगा के दिया है, टीवी देख रहे हैं बच्चे, और जुहान भी पहले सोया हुआ था अभी उठ गया है, और ये भी अभी देख रहे हैं कार्टून, ये बड़ी ना फनी वीडियोस है, बड़े मजे के ये कार्टून है। और आज जो है नूर के आने से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई है, हाँ नूर के साथ साथ सारा दिन खेलती रही है, ये सारा दिन बल्कि नूर के साथ खेलती रही है, खिलौने कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, बस खिलौनों के साथ खेलती रही है, कभी घोड़ा निकाल लिया कभी गाड़ी बाहर निकाल ली, बहुत ज्यादा आई थी इंजॉय कर रही है। हाँ जी वो ये सोफा सेट है, ये मतलब भाई गिर के दरबार से ना वहां से हम लोग लेके आए थे, हाँ ये सोफा सेट चाय वगैरह पी के नीचे आए हैं अभी हम लोग, और अम्मी जो है वो अपनी फौजिया के घर से आ गई हैं, और हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं कि अम्मी घर वापस आ गई हैं, और अब जो है अम्मी कुकिंग किया करेंगी, और वैसे भी अम्मी के जो खाने हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, माशाल्लाह से अम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा जायका है, तो याद तो अम्मी की हमें बहुत ज़्यादा आ रही थी, ये नहीं कि हमें खानों की याद आ रही थी, वैसे अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, शुक्र अल्लाह ताला का अम्मी जो है घर वापस आ गई हैं, और सारे तकरीबन बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मेरा आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक का था, उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो ज़रूर पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना कि आपको आज का व्लॉग किस तरह का लगा है, और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।